बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सबी काज़मी। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को 3 साल की एक्सटेंशन मिली। ऐसे हालात में कि जब इस वक्त हम 1947 की सिचुएशन पर खड़े हैं, कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान न्यूक्लियर वार के दहाने पर मौजूद हैं, अफगानिस्तान में से इस वक्त अमेरिका का इनखला, जो कि माजी में रूस ने इनखला किया, वहाँ से निकले और उसके बाद एक बहुत बड़ी मेस छोड़ गए। ऐसे में इमरान खान साहब का ये फैसला, मुश्किल फैसला, एक बहुत ज़बरदस्त और मुदब्बराना फैसला भी है। ये आने वाला वक्त बताएगा कि ये क्यों फैसला इतना बेहतरीन है। लेकिन तमाम स्टेक होल्डर्स की मर्जी से स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी को साथ लेते हुए फौज की और तमाम सिविल क्यादत को इकट्ठे ये फैसला किया और ये एक बड़ा ज़बरदस्त फैसला था। उसकी वजह यह है कि जनरल कमर बाजवा साहब वो जर्नेल हैं जिनके पास ना सिर्फ दिफाई सलाहियतें मौजूद हैं, बल्कि ये इसके अलावा चूँकि ये बाहर पढ़ते रहे हैं और इनके पास दुनिया का एक्सपोजर, फॉरेन पॉलिसी और इकोनॉमिक्स को भी बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। इसीलिए ये इमरान खान साहब के साथ आपको मुख्तलिफ दौरों में नज़र आते हैं, जहाँ पर स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर ये उनकी मदद भी करते हैं। जब यह कहा जाता है कि फौज इमरान खान साहब के पीछे है या इमरान खान साहब फौज के पीछे है, तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छी बात है कि ये दोनों आमने सामने नहीं है। पाकिस्तान की फौज है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, एक दूसरे के आगे पीछे ही रहे तो इसी में बेहतरी है। मेरिट की बात बहुत ज़्यादा की जा रही है और वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने मेरिट की धज्जियाँ उड़ाई। एक्सटेंशन पाकिस्तान की तारीख में पहली बार नहीं मिली। इससे पहले जनरल अयूब से लेकर यहा खान, जनरल मूसा, जनरल मुशरफ साहब, जनरल ज़ियाउल हक, ये तमाम खुद एक्सटेंशन ले चुके हैं। खुद मियां साहब ने इनको मेरिट पर भर्ती किया। जनरल बाजवा साहब उनकी चॉइस थे, अगर उस वक्त ये मेरिट पर थे तो आज भी ये मेरिट पर हैं। और मियां साहब ने भी 3 दफ़ा एक्सटेंशन दी। बीबी शहीद ने 2 मरतबा एक्सटेंशन दी, तो एक्सटेंशन लेना कोई बुरी बात नहीं, उन पॉलिसियों का तसलसल ना टूटे इसलिए एक्सटेंशन दी जाती है। दूसरे मरहले पर अगर आप मेरिट की बात करने वालों का खुद हाल देखें तो मरियम सफदर साहिबा, जो कि नायब सदर मुस्लिम लीग नून है, उनके पास ऐसी कोई काबिलियत नहीं कि वो मुस्लिम लीग नून की नायब सदर बनती। दूसरी तरफ जो हमारे बिलावल साहब हैं, उनके पास सिवाय एक नसीहत और एक वसीयत के कोई ऐसा पेपर नहीं कि जिससे वो पार्टी के चेयरमैन बन गए। असफंदियार वली के बेटे के भी यही हाल है और मौलाना फजल रहमान साहब के बच्चों का भी यही हाल है, उनका बेटा भी पर तोल रहा है। महमूद अचकज़ई भी अपने सारे ख़ानदान समेत हुकूमत में शामिल था। इसीलिए जब ये लोग मेरिट की बात करें तो बड़ा अजीब लगता है। फौज का तो एक मेरिट का सिस्टम है, सेकंड लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट, उसके बाद कैप्टन, फिर मेजर, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, उसके बाद ब्रिगेडियर, फिर लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, और उसके बाद कहीं जाकर आप जनरल और फील्ड मार्शल, जो एक ही थे, बनते हैं। ऐसे में इनके मेरिट पर बात करने वालों को ये सोचना चाहिए कि ये लोग तो अगर रिटायर भी हो जाएं तो किसी यूनिवर्सिटी में लेक्चर देना शुरू कर देते हैं, किसी जगह थिंक टैंक कंसल्टेंट या कुछ नहीं तो 40 मुल्कों की अफवाज के कमांडर लगकर अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं। लेकिन यहाँ मेरिट की बात करने वाले तो सारी ज़िंदगी रिटायर ही नहीं होते, या फिर जलावतनी और जेल दुबई या इंग्लैंड, ये इनके घर हैं। इसीलिए ये लोग जब मेरिट की बात करें तो बड़ा अजीब लगता है कि आपके मुंह से मेरिट की बातें अच्छी नहीं लगती, ख़ास तौर पर ऐसे में जब आप खुद 75 रुपये की बिरयानी पर एक वोट खरीद कर उस असेंबली में पहुँचें कि जहाँ पर काउंसलर बनने के काबिल आप ना हों। ऐसे लोग जो आम ज़िंदगी में एक दरख्वास्त ना लिख सके, जो लोग इस मुल्क में क्लर्क की नौकरी नहीं कर सकते, वो मुल्क की कानून साजी में पार्लियामेंट में बैठकर फैसला करते हैं। लेकिन ये जमहूरियत है, ये निज़ाम है, इसको चलना चाहिए, ज़रूर आगे बढ़ना चाहिए, इसी में आगे बेहतरी ज़रूर आएगी। लेकिन जो अंदरूनी बातें करने वाले लिबरल माफिया, मोमबत्ती वाले आंटियाँ और जो हमारे लंडे के रस्तू हैं, ख़ास तौर पर ट्विटर माफिया, उनके लिए भी एक मैसेज है कि अगर आप जूता मजबूत पहन कर पत्थरों पर चले तो आप चल सकेंगे, लेकिन वही पत्थर अगर आपके जूते के अंदर आ जाए तो वो आपको तकलीफ़ देता है। इसलिए अंदरूनी दुश्मनों से फौज इस वक्त नबरू आजमा है, जैसा कि वो बैरूनी दुश्मनों से भी। इन लोगों पर नज़र रखें और इन लोगों को भी चाहिए कि अपनी पॉलिसियों पर थोड़ा सा ध्यान रखें। हुसैन हकानी, रेहम खान मत बने, मुल्क के साथ खड़े नाजुक मरहलात में साथ होना चाहिए। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे प्रोफेसर हसन अस्करी साहब से, जो कि पंजाब के वज़ीर आला भी रहे और दिफाई और सियासी दोनों चीज़ों पर जो उनकी दस्तरस है, मेरे साथ रहे, मिलते एक छोटी सी ब्रेक के बाद। हसन अस्करी साहब, जो अभी कमर जावेद बाजवा साहब की एक्सटेंशन है, इसको आप कैसे देखते हैं?
देखिए एक्सटेंशन जो आर्मी चीफ को दी गई है वो एक्सपेक्टेड थी, क्योंकि दो इसके बड़े फैक्टर हैं। एक तो ये है कि बड़े अरसे के बाद इस वक्त सिविलियन लीडरशिप एंड मिलिट्री लीडरशिप जो हैं वो तमाम मामलात पे एक दूसरे के साथ हार्मनी में काम कर रहे हैं, जो कि पाकिस्तान में पहले नहीं था। दूसरा ये है कि इस वक्त पाकिस्तान को क्राइसिस काफी फेस करने पड़ रहे हैं, जिसमें कि इंडिया से रिलेशन का इशू है, अमेरिका से रिलेशन की बात है, फिर अफगानिस्तान का पीस प्रोसेस में स्टेप्स में पाकिस्तान ने इनकरेज किया है। तो ऐसी सूरत हाल की वजह से ये समझा गया कि कॉन्टिन्यूटी जो ये टीम है सिविल की और मिलिट्री की, ये टीम जो है इसमें कॉन्टिन्यूटी है, तो पॉलिसीज की प्रॉब्लम जो है वो नहीं होंगी, क्योंकि इंटरनली इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स गवर्नमेंट को काफी सीरियस हैं। और दूसरा ये है कि इंटरनल पॉलिटिकल ऑर्डर की भी इश्यूज हैं। तो मेरा ख्याल है रियलाइजेशन दोनों साइड से ये है कि मिलिट्री अलोन और सिविलियन अलोन जो है वो चैलेंजेस को मीट नहीं कर सकते। अगर दोनों मिलकर काम करते रहें तो चैलेंजेस को एड्रेस करना रिलेटिवली आसान हो जाएगा। जी, इस थिंकिंग के तहत प्राइम मिनिस्टर ने अपना डिस्क्रिशन इस्तेमाल किया है और उनको एक्सटेंशन दी है, तो वो समझते हैं कि उनसे जो है एक सपोर्ट एस्टेब्लिशमेंट की जारी रहे। अच्छा हसन साहब, अभी कुछ लोगों को ये भी कहना है जो काफी जो सोशल मीडिया पर, कि जो जनरल रह गए जिनकी प्रमोशंस नहीं हुई वो लोग डिमोरलाइज हो जाएंगे, तो क्या आर्मी में वाकई इस तरह होता है जिस तरह सिविलियन लोगों में होता है? देखिए ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली एक्सटेंशन नहीं है। अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़ें, अयूब खान के जमाने से एक्सटेंशन वक्तन आर्मी चीफ को मिलती रही है। दूसरा ये है कि इसका इफेक्ट सिर्फ ये कि दो लोगों पे होता है, अभी चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ की अपॉइंटमेंट होनी है, जाहिर है जो दो इनके पास जो सीनियर लोग हैं एक दो उन्हीं में से चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जो है वो अपॉइंट होगा। ये है कि आर्मी के अंदर और तीनों सर्विसेज के अंदर जब बंदा सीनियर पोस्ट पे रिटायर होता है तो वो आर्मी या बाकी सर्विसेज उनको डिसओन नहीं करते, उनको लुक आफ्टर करते हैं और उनको सिविलियन जॉब्स या दूसरी असाइनमेंट जो है वो मिल जाती हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई इतनी बड़ी फ्रस्ट्रेशन पैदा होगी, क्योंकि इससे पहले भी ये सिचुएशन होती रही है। लोग तो सिर्फ ज्ञानी साहब की बात करते हैं, ज्ञानी साहब को एक्सटेंशन मिली थी, लेकिन अगर आप पीछे जाएं तो आपको अयूब खान को एक्सटेंशन मिली थी, मूसा खान को एक्सटेंशन, याहिया खान को एक्सटेंशन, और उसके बाद फिर जो एक्सटेंशन का सिलसिला कुछ अरसे के लिए जियाउल्लाह तो प्रेसिडेंट हो गया, लिहाजा एक्सटेंशन देते रहे अपनी मर्जी से अपने आप को। उसके बाद 88 से 99 में हमें कोई एक्सटेंशन नजर नहीं आती, और उसके बाद फिर मुशर्रफ साहब ने खुद अपने आप को एक्सटेंशन दी और ज्ञानी साहब की एक्सटेंशन बात की है। तो ये आर्मी में चीजें चलती रही हैं माजी में भी, और उसके अलावा इतनी आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट हुई है, हमेशा सीनियर मोस्ट अपॉइंट नहीं हुआ है, कई दफा सीनियर मोस्ट बंदा अपॉइंट हुआ, कई दफा लोग सुपरसीड हुए हैं। जब सुपरसीड होते हैं तो उनको डिसोन नहीं किया जाता, बल्कि उनके इंटरेस्ट को आर्मी या एयरफोर्स वगैरह बहुत प्रॉपरली लुक आफ्टर करते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई ऐसी बड़ी फ्रस्ट्रेशन पैदा हो सकती। अच्छा हसन साहब, आप सियासी पार्टियों का अगर आप कल्चर देखें तो वहां पे तो कोई वालिद के नाम कोई वालदा के नाम पर आ गए, लेकिन फौज का एक अपना एक वैल्यू नॉर्म्स एक कल्चर है, तो क्या आपको लगता है कि कोई बाजवा साहब के अलावा ऐसा कोई मौजू शख्स हो सकता था जिसपे ये लोग इतना उछल रहे? देखिए डिजर्विंग तो टॉप के जो लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं उनमें से कोई बंदा भी आर्मी चीफ हो सकता है, सभी जो ऊपर के जो चार पांच लोग होते हैं उनमें से कोई भी आर्मी चीफ हो सकता है। और उसके बाद फिर ये फैसला गवर्नमेंट करती है, सिविलियन गवर्नमेंट करती है कि किसी स्टेट पे यहाँ कॉन्टिन्यूटी चाहिए या बंदे को चेंज करना है, ये प्राइम मिनिस्टर का डिस्क्रिशन जो है वो होता है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि या तो पहली दफा ये चीज हुई होती ना तो ये बातें कंसर्न समझ में आते, लेकिन जिसने पाकिस्तान मिलिट्री की हिस्ट्री पढ़ी है उसको ये पता है कि लोग सुपरसीड भी मिले हैं, एक्सटेंशन भी मिली है, और उनमें से जितने लोग सुपरसीड होते हैं उनको जैसे मैंने कहा कि उनके इंटरेस्ट को
आर्मी की खूबी ये है कि अगर आप तीनों सर्विसेज की खूबी ये है, अगर आप एक बार ज्वाइन कर लें तो टिल डेथ वो आपका लुक आफ्टर कर दें। हसन साहब, साफियों का वो एक जत्था जो है वो ट्विटर पर स्पेशली जो है, जिन्हें मैं तो ट्विटर माफिया समझता हूँ, वो लोग एक स्पेसिफिक एजेंडे पे जिस तरह वो बात करते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि उनका एक अपना एक मखसूस स्टाइल है जिसमें वो ख़ास तौर पर इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के अलावा आर्मी को सामने हदफ रखते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है उन लोगों को ये इस सूरत हाल में इस तरह करना चाहिए? देखिए, प्रॉब्लम हमारी ये होती है कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल पोलराइजेशन, पॉलिटिकल डिवीजन इतनी शार्प हो गई है कि जो बंदा जिस जगह खड़ा है उसी मफाद के हवाले से कौमी मफाद को देखता है। इस वक्त जो हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि आर्मी मिलिट्री और इमरान खान की हुकूमत में कोऑपरेशन चल रही है, तो लिहाजा एक कैंपेन स्ट्रॉन्ग कैंपेन जो है पीएमएल और पीपीपी की तरफ से इनके खिलाफ चल रही है। जिस जमाने में नवाज शरीफ की हुकूमत थी उस जमाने में हमने देखा था कि आर्मी का और नवाज शरीफ का झगड़ा कई इश्यूज पे डिफरेंसेस रहे हैं। अच्छा, उस जमाने में जो अपोजिशन पार्टीज हुआ करती थी वो उस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को उछालती थी कि इससे मुल्क को नुकसान पहुंचता है। वाकई मौजूदा चैलेंजेस में अगर सिविल और मिलिट्री की लड़ाई चलेगी तो उससे मामला बिगड़ जाते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि जो बंदा पोजिशन ले रहा है वो उसकी पोलिटिकल अफिलिएशन और पॉलिटिकल चॉइसेस पे है। बाकी ये है कि जो सीनियर ऑफिसर्स हैं आर्मी में या तीनों सर्विसेज में सब प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट हैं और उनमें से कोई भी आर्मी चीफ हो सकता है, और जाहिर है एक भी आर्मी चीफ होना है और तीन चार हमेशा जो है वो पीछे रह जाते हैं। और जैसा मैंने कहा कि सुपर सीट भी, यानी इससे पहले जो ये अपॉइंटमेंट भाजपा साहब की हुई है उसमें भी दो बंदे सुपर सीट हुए थे। उससे पहले जो है कई मिसालें ऐसी हैं जहां बंदे सुपर सीट हुए। जब जियाउल हक साहब की अपॉइंटमेंट हुई पांच जर्नैल सुपर सीट हुए थे और भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो ने जियाउल हक को आर्मी चीफ अपॉइंट किया। जी नाज़रीन, आपने आज का प्रोग्राम देखा, अपने हसन अस्करी साहब की बातें भी सुनी। इमरान खान साहब का ये यू टर्न तारीख हमेशा याद रखेगी क्योंकि इस यू टर्न में बहुत सी हिकमत पोशीदा है। आने वाला वक्त बताएगा कि इस फैसले का क्या दूर नतायज सामने आएंगे। प्रोड्यूसर वलीद एहसान जंजुआ और टीम सभी काजमी को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।